हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजन फॉर स्माइल। आज हम सीखेंगे ग्लास पेंटिंग। तो मेरे पास एक ग्लास की बोतल है और मेरे को उसको थोड़ा डेकोरेट करना, थोड़ा डीआईवाई करना है उस पर। तो उसके लिए मेरे पास फेविक्रिल की ग्लास कलर्स है और इसके साथ ये फेविक्रिल का ही 3D आउटलाइनर आता है। और ये अलग से अगर आप लेते हो तो 20 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेटली आता है ये, और ऐसे ही पैकेट के साथ आता है और इस पैकेट का रेट है 85 रुपीज़। और जैसे आपके पास घर में बहुत सारी वेस्ट बोतल पड़ी हुई रहती है तो आप उसको एज अ डेकोर पीस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर ग्लास कलर किया था और ये बहुत ही प्यारी लगती है। एक्चुअली ये सॉस की बोतल थी और आप ग्लास बोतल को किसी भी तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, जैसे पेंट करना उस पर। अब ऐसे ही मेरी एक बड़ी वाली सॉस की बोतल थी तो मैंने इस पर एक्रिलिक कलर किया था और दुर्गा माँ का कुछ फेस बनाया था इस पर, और ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ऐसे ही ग्लास कलर था। और जो मैं बताती हूँ अभी, ये वाला 3D आउटलाइनर इसके साथ आता है। और अभी जस्ट मैंने अभी इसको ग्लास पेंट को, मेरे पास जो बोतल थी उस पर मैंने 3D आउटलाइनर किया है, देख सकते हैं आप। और ये अभी भी वैसे भी बहुत प्यारी लगती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट रहेगी। और ये 3D आउटलाइनर के साथ ये जो नोजल आती है, देख सकते हैं आप, ये नोजल जो आती है इसके साथ, इससे आपको इस पर सर्कल्स बना सकते हो, ट्राइंगल्स बना सकते हो, या फिर जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे आप वो बना सकते हो इसके ऊपर। मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और अभी ये मैंने इसको सूखने के लिए रखा हुआ है। जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद हमें इसके अंदर ये ग्लास कलर फिल करने हैं। एक्चुअली ये डायरेक्ट फिल किए जाते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसके लिए हमें ब्रशेस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कुछ ऐसे आता है, छोटी सी नोजल होती है इसके साथ, और उसी से हमें इसके अंदर कलर फिल करना होता है। तो काफ़ी अच्छा बनता है इससे बोतल, काफ़ी सुंदर लगती है। और अभी जस्ट मैंने इस पर जब 3D आउटलाइनर किया था तो थोड़े से मेरे हाथ गंदे हो गए हैं और मैं इस बोतल को सूखने के लिए रखी हुई हूँ। और जैसे ये सूख जाती है फिर हम इसमें कलर करेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं, फिर बाय बाय। अभी मैंने लिया है ग्रीन कलर और इसको मैं इन सर्कल्स में फिल करूँगी। तो हमें इसको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में इसको घुमाना है कलर को, बिल्कुल थोड़ा सा लेके इसको ऐसे घुमाना है इसमें। और मे भी आपको शायद दिख रहा होगा, देखिए ये हो गया। उसके बाद मैं ये वाला करती हूँ। और हाँ, जब हम इसको कलर फिल करते हैं तो इसमें कुछ बबल्स बनते हैं, तो मेक श्योर कि वो बबल्स आपकी बोतल में कलर करते टाइम ना बने, इसीलिए इसको सर्कुलर हो गई है अभी कलर। और अभी मैं इसको थोड़ा सा फाइनल टच दूंगी, कुछ गोल्डन डॉट्स के साथ में। एक्चुअली ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है इस टाइप से, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये ऐसे लगेंगी। मम्मा, हाँ जी, मैं रूम में जाओ। ठीक, ये मेरी बेटी जो मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करती है। तो ये है हमारी बोतल का फाइनल लुक। तो बताइए ये आपको कैसी लग रही है, मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी। अगर आपको भी ये DIY पसंद आया तो अपने घर पे ट्राई जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए DIY के साथ, नए आइडियाज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।